paquete. बड़ा कमाल करने वाले हैं आज। मोबाइल का म्यूजिक है जो टीवी में चलाने वाले हैं, जैसा कि आपने वीडियो की स्टार्टिंग में देख लिया होगा। तो अभी मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने मोबाइल का म्यूजिक है जो टीवी में चला सकते हैं और बड़ी ही आसानी से। तो वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप ध्यान से देखते रहिए वीडियो में, अंत तक वीडियो के साथ बने रहिए और आप भी अपने मोबाइल का म्यूजिक टीवी में चला सकते हैं। जो मेरे सामने ये टीवी रखा है, मैं इसी के अंदर आपको म्यूजिक चला कर बताऊँगा। जी हाँ दोस्तों, इसी टीवी के अंदर मैं म्यूजिक चलाकर दिखाऊंगा। तो इसके लिए आपको किस किस चीज़ों की ज़रूरत होगी वो भी बताऊंगा और प्रैक्टिकली आपके सामने करके दिखाऊंगा मैं। जो मेरे सामने ये टीवी रखा है, इसी के अंदर हम अभी म्यूजिक चलाएंगे और जो म्यूजिक आप देख रहे थे वो इसी टीवी के अंदर चल रहा था। अभी तो ये मैंने बंद कर रखा है, लेकिन मैं इसके अंदर आपको म्यूजिक चला कर दिखाऊंगा बड़ी आसानी से और कम से कम खर्च में। इसके अंदर आपको खर्चा मैंने तो बहुत ही नॉर्मल खर्चा, वैसे तो खर्चा होगा इसका 50-60 रुपये खर्चा होगा, इससे ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं होगा। इसके लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो मैं आगे दिखाने वाला हूँ। देखिए आप, तो फाइनली फ्रेंड, इसके लिए हमें एक मोबाइल चार्जर की ज़रूरत होगी और एक जो डाटा के वो ऑक्स केबल होती है टीवी के अंदर लगाते हैं उसकी ज़रूरत होगी, और एक होगी बीटी किट की, यानी कि ब्लूटूथ किट की। ये मेरे एक चार्जर के साथ पड़ी है जो है ब्लूटूथ किट है, और ये जो आप देख रहे हैं ये चार्जर है। मैंने एक साइड से इस चार्जर को काट लिया और इनके दोनों वायरों को हम यूज़ करेंगे और साथ में इस लीड के दोनों वायरों को भी यूज़ करेंगे। ये 5 वोल्ट का चार्जर है जो आप टीवी को लगाओगे वहाँ आप चार्जर भी आसानी से लगा सकते हैं, और उसी चार्जर से हम बीटी चला के दिखाऊँगा मैं। आप अपने बेस्ट म्यूजिक होंगे जो भी आप बड़ी आसानी से अपने टीवी के अंदर चला सके। देखिए ये है वो ऑक्स लीड है जो हम टीवी और रिसीवर को कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, और इसी लीड के माध्यम से हम करेंगे। जैसे मैं इस लीड को एक साइड काट लीजिए, जैसे मैंने एक साइड से इसे काट रखा है और चार्जर को भी मैंने बीच में से काट लिया, और इसे आगे सोल्डरिंग आप चाहे तो सोल्डर कर सकते हैं। वैसे इसे बीटी किट के अंदर सुराख दिए हुए थे, उनके अंदर भी आप वायर को लगा सकते हैं। ये देखिए बीटी किट जो आपको मार्केट के अंदर 50-60 रुपये में आसानी से मिल जाएगी, ये है वो बीटी किट है। इसकी वायरिंग कैसे करते हैं वो अभी मैं दिखाऊंगा, और ये टीवी से कैसे कनेक्ट होगी वो भी आगे दिखाऊंगा। ये बीटी किट है, जो बीटी किट मतलब कि ब्लूटूथ किट है, ये ब्लूटूथ चिप है, इसे हम चिप कह सकते हैं। ये एक ब्लूटूथ चिप है और इसी चिप के माध्यम से हम अपने म्यूजिक है जो टीवी के अंदर चला के दिखाऊँगा। इसके अंदर आपको वायरिंग करने की, जैसे ये लिखा हुआ है VCC, यानी कि इसके अंदर आपको चार्जर का रेड वायर है उसे सोल्ड करना है या इस सुराख के अंदर से पिरो के रखना है, और ये जो GND लिखा हुआ है इसके अंदर चार्जर का वाइट या ब्लैक वायर होगा उस वायर को यूज़ करना है। और ये है ऑडियो लेफ्ट, ऑडियो राइट, और बीच में दिया हुआ ग्राउंड, यानी कि जो हम केबल लगाएंगे टीवी के अंदर उस केबल को एक साइड काट लीजिए, उसके अंदर आपको 2 वायर मिलेंगे, एक ग्राउंड का और एक मिलेगा ऑडियो इनपुट का। तो आप एक वायर होगा वो लगाइए ऑडियो लेफ्ट या राइट में, और एक वायर बीच में GND दिया हुआ है उसके अंदर लगाइए, GND मतलब ग्राउंड के अंदर लगा दीजिए। तो मैं चलिए दिखा देता हूँ आपको, मैं चार्जर को काट लिया है और इस वायर को थोड़ा छोटा कर देता हूँ, यह काफ़ी बड़ा हो गया, इसे छोटा करके मैं इसे सोल्ड करता हूँ। चलिए मैं कैंची से इसे काट लेता हूँ। चलिए वायर को मैंने काट लिया और अभी हम इसे वायरिंग करेंगे। मतलब आप प्रैक्टिकल करके देखोगे तो आप खुश हो जाओगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, बहुत ही बड़ा कमाल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। इस ऑक्स लीड के भी वायर को हम काट लेते हैं, ये है वो टीवी लीड कह सकते हैं, जैसे मार्केट में टीवी लीड के माध्यम से इसे खरीदते हैं। इसी के वायर को हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं और अब इसकी सोल्डरिंग करते हैं, सोल्डरिंग करके इसकी वायरिंग करते हैं। मैं पेस्ट के डब्बे को खोल देता हूं, और आयरन की मदद से आप सोल्डर कर सकते हैं, और आप चाहे तो मार्केट से भी शॉप से सोल्डर करवा के ला सकते हैं इसे। ये वीडियो दिखा दीजिए और इस तरह सोल्ड करवा के आप ला सकते हैं, और वैसे आप अपने घर पर भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें सुराग दिए, उन सुरागों के अंदर आप तार को पिरो सकते हैं। आयरन बंद हो गया, चलो ये गर्म है, कोई नहीं सोल्डर तो हो जाएगा।
बस इतना मिनिमम खर्चा इसका 50 या 60 रुपये ही होगा। मार्केट में आपको हर शॉप ही अवेलेबल मिल जाएगी। ये देखिए, ये मैं वायरिंग कर देता हूँ। ये जो वाइट वायर है इसे मैं जेएनडी के अंदर कनेक्ट करना है। ये मैं जेएनडी के अंदर फोल्ड कर देता हूँ। और जो रेड वायर है इसे VCC लिखा होगा पास में, उसी के ऊपर इसे सोल्ड करना है, जिससे कि हम BT को 5 वोल्ट करंट दे सकें, ब्लूटूथ चिप को 5 वोल्ट करंट दे सकें। तो मैं इसे सोल्ड कर दूँ। तो ये हमने चार्जर की 5 वोल्ट सप्लाई है जो इसके अंदर दे दिए। थोड़ा सा दिखा देता हूँ, मैं जूम करके दिखा दूँगा। निश्चित ही वीडियो के साथ बने रहिए, मैं दिखा दूँगा। ये देखिए, ये VCC के अंदर मैंने 5 वोल्ट को कनेक्ट किया है, ये रेड वायर को, और जो वाइट वायर है उसे GND के साथ कनेक्ट किए। अभी हम TV लीड आती है जो रिसीवर वाली, उसकी वायरिंग करेंगे इसके अंदर। सोल्डर थोड़ा ध्यान से करना। इलेक्ट्रॉनिक आइटम के अंदर कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब पॉसिबल है। आपको वीडियो देखने लगा होगा ये कैसे इम्पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल है। आज इलेक्ट्रॉनिक इतनी तरक्की कर गया है, हर चीज़ पॉसिबल है। तो चलिए हम इन बातों को छोड़कर अपने काम पे ध्यान देते हैं। ये मैं सोल्ड कर देता हूँ इसे। ये देखिए, इसका जो रेड वाला वायर है वो ऑडियो में लेफ्ट के अंदर सोल्ड कर रहा हूँ, और जो बीच में जो एक वायर और मिला है उसको मैं GND पे कनेक्ट करता हूँ। मैंने जो बीच में वायर मिला उसे GND पे कनेक्ट किया है, और जो रेड वाला वायर लीड को काटने पे मिला था उसे मैंने ऑडियो लेफ्ट पे कनेक्ट किया है। आप लेफ्ट या राइट दोनों में से किसी भी कनेक्ट कर सकते हैं, या दोनों वायर आपको यूज़ करनी है तो एक लेफ्ट एक राइट में, और दोनों के बीच में जो कॉमन वायर मिलेगा उसे बीच में सोल्ड कर दीजिए दोनों वायरों को मिला के। ये देखिए, मैंने कुछ इस तरीके से सोल्ड किया है। ये चार्जर वाली सप्लाई इस तरफ, यहाँ चार्जर के वायर जोड़ना है, और ये साथ में जो यहाँ ऑडियो लेफ्ट और राइट जोड़ना है, जैसे मैंने ऑडियो लेफ्ट के अंदर रेड वायर जोड़ा है ऑक्स लीड का, और जो सिंपल वायर मिला था उसे GND के अंदर कनेक्ट किया। देख सकते हैं आप, ये देख लीजिए, एकदम क्लीन दिखा दिया मैंने। तो चलिए हम TV के अंदर इसे कनेक्ट करते हैं। तो TV के अंदर 3 लीड होती है, जो 2 ऑडियो की और ये पीली वाली है ये वीडियो की होती है। तो आप रिसीवर की वीडियो वाली लीड TV के अंदर लगाए रखें, और इन 2 लीडों को भी आप लगा दीजिए, ऊपर या नीचे किसी भी तरीके से लगा सकते हैं। मैंने वीडियो जो रिसीवर से लीड दे रखी है उसे लगाए रखा है, आपको भी उसे लगाए रखना है, और इन दोनों लीडों को लगा देना है। ये देखिए, दोनों लीड को लगा देती है। और अभी मैं थोड़ा वीडियो को स्किप करके इसमें ब्लूटूथ है जो कनेक्ट करता हूँ। ये देखिए, मैं TV के अंदर लगा देती है, और मैं TV को चालू कर लेता हूँ, और साथ में BT को भी कनेक्ट कर लूँगा। BT चिप को मैंने यहाँ रखा, आप कहीं भी चिपका सकते हैं या कहीं और रख सकते हैं। चार्जर को मैंने कनेक्ट कर दिया, और TV को भी कनेक्ट कर दिया। अब हम मोबाइल स्क्रीन पे आते हैं, और मोबाइल स्क्रीन से मैं जाता हूँ सीधा BT सेटिंग में ब्लूटूथ में। तो चलिए मैं ब्लूटूथ को ओपन करता हूँ। TV और जो हमारी BT की टैब चल रही है, यानी कि मैंने चार्जर को भी लाइट में लगा दिया है, और TV को भी चालू कर दिया। ये देखिए, पेयर मांग रहे हैं, मैंने पहले कनेक्ट किया था, A01 नाम से ये। तो ये कनेक्ट है, हो चुका है। अभी हम म्यूजिक चलाते हैं, साथ में TV भी चालू करूँगा। पहले म्यूजिक में जाते वीडियो में आइए, और मैं म्यूजिक ऑन करता हूँ। म्यूजिक में जाके डाउनलोड में चल जाते हैं, और यहाँ से मैं म्यूजिक को प्ले करता हूँ। इससे फिलहाल म्यूजिक है नहीं, इसे प्ले करता हूँ। ये मैंने प्ले कर लिया, तेरा हो जाऊं।